हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खेल स्टेशन। सो गाइज, जो हम यहाँ पे आज का यहाँ पे मैच स्कोर करने जा रहे हैं वो होगा हमारा SRH वर्सेस DCC का मैच, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे आज के पीसी बोर्ड की, हमारे वेन्यू स्टैट्स, प्रोबेबल लाइनअप्स, प्लेयर्स की फॉर्म, हेड टू हेड प्लेयर ऑन द वेन्यू, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड और स्मॉल लीग कमीशन। साथ में आपको मैं पावर प्ले स्टडी बताऊंगा और आपको बता दूं जो पावर प्ले की स्टडी है एकदम ऐसी सटीक जा रही है। आपको मैंने बोला था सेकंड इनिंग में आपके विकेट गिरेंगे और आपने देखा गाइस वहाँ पर को सेकंड इनिंग में पावर प्ले के अंदर में कितने सारे विकेट गिरे। सो गाइस, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ जो भी आपको वीडियो देख रहे हो ना, याद अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखो, क्योंकि अगर आप आधा देखोगे तो गाइस आपके काफ़ी ज़्यादा जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी मिस हो जाएंगी। सो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको ग्रैंडिंग आप चाहते हो विन करना, सो गाइस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो गाइस कोई नहीं बताएगा। देखो, सब लोग क्या बताते हैं आपको, जो बेसिक चीज़ें होती हैं प्लेयर्स के फॉर्म आपको बता देंगे, हेड टू हेड वगैरह, लेकिन जो ये लॉजिकल एनालिसिस है ना, पावर प्ले स्टडीज़ वगैरह, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सो गाइस वो आपको मिलेंगी ओनली खेल स्टेशन पे। सो ये चीज़ है। बाकी एक चीज़ और करना, जिनों को अभी स्मॉल लीग टीम यहाँ पे नहीं मिल पा रही है या फिर जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी हमारा फाइनल अपडेट आएगा वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में। सो गाइस, और यहाँ पे बात करें जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार यहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर देना, नीचे आपको दिखेगा रेड आइकन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं हमारे आज की पिच रिपोर्ट। सो गाइस, अभी हम यहाँ से बात करते हैं हमारी आज की पिच रिपोर्ट की। और कल को देखो मैंने क्या बोला था कि वहाँ पर को पावर प्ले में विकेट्स तो जा रहे हैं, बट ये क्या है, एक आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे रन्स बनते हैं, तो इसका मतलब रन्स कौन है, एक मिडल वाला एक प्लेयर्स बनाएंगे। ठीक है, स्पेशली गाइज आपको बार बार बोला था ये चीज़, मैंने आपको बार बार, अगर आप सोच रहे हो मैं हवाबाजी में कोई बात कर रहा हूँ तो कल का एक बार वीडियो दोबारा से देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ आपको बोली थी और क्या कितनी मतलब हद तक यहाँ पे पास हुई हैं। सो देखो, अब मैं आपको एकदम ऐसे डिसेंट नाम तो नहीं बोल सकता कि यहाँ पे ये प्लेयर परफॉर्म करेगा, लेकिन जो ऐसा ट्रेंड है ना वो मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करेंगे तो गाइज आप ग्राइंडिंग में आप काफ़ी अच्छी रैंक ला देंगे। क्योंकि देखो, आप एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम बताऊं, अगर कल जैसन रॉय आता ना पावर प्ले में गाइस, उसका मैं विकेट चला जाता। अब देखो जैसन रॉय ने क्या करा, वो पावर प्ले में नहीं आया, बैटिंग करने आया बाद में। ठीक है, सो ये चीज़ें थी जो यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे काम करी। सो अब यहाँ पर अगर बात करूँ हमारे आज के मैच की, तो आज के मैच में आपको रन्स बनते हुए दिखाई देंगे। रन्स देखो, कल भी मैच, इवन कल के मैच में IPL अभी 2023 का सबसे हाईस्ट स्कोर यहाँ पे बना है। इवन जो अजिंक्य रहाणे थे, सो गाइस होते ही अलग ही फॉर्म में चल रहा है बंदा। शिवम दुबे तो खैर वहाँ पे कंसिस्टेंट एक हीटिंग करके जाते ही हैं, बाकी जो कोहन और गायकवाड़ ने स्टार्ट दिया काफ़ी शानदार दिया था। और उससे पहले जो हमारा 8वीं वाला मैच हुआ था वो भी गाइस काफ़ी अच्छा हुआ था। इवन आपको बता दूँ 8वीं में थोड़ा सा गाइस मैं आपको थोड़ा टाइम लूँगा। ठीक है, अब 8वीं को देखो क्या है, सब लोगों को पता है कि उनका बस टॉप ऑर्डर ही एक दो तीन ऐसे बैट्समैन हैं जो यहाँ पे रन्स मार के जाएंगे, अगर वो आउट हो गए तो हम यहाँ पे आराम से उसको टीम को कोलैप्स कर सकते हैं। बट गाइस वहाँ पे हो क्या रहा है, 8वीं का टॉप ऑर्डर यहाँ पे आउट नहीं हो पाता, फाफ डू प्लेसिस और यहाँ पे मैक्सवेल यहाँ पे इतनी अच्छी पारी खेल जाते हैं, और वो तो अभी ये शुक्र मना किसी दिन अभी तीनों नहीं चल रहे, जिस दिन तीनों चल गए 200 के पार जाना है उसको। और डे मैचेस में ना चिन्ना स्वामी पे 180 एक डिसेंट स्कोर था। ठीक है, इवन जब लास्ट में जो उन्होंने खेला 175 भी यहाँ पे वो डिफेंड कर लिए थे, सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी उनके लिए। सो चलिए दोस्तों, अब यहाँ से बात करते हैं हमारे आज की वेन्यू स्टैट्स की। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा वेन्यू स्टैट्स पे 67 मैच टोटल खेले हैं, 30 मैच बैटिंग फर्स्ट करते हुए इन्होंने एंड 36 एम्पायर को चेजिंग करते हुए। फिर से बात करें एवरेज स्कोर, यहाँ पर आपको 159 आपको दिखाई देगा। एंड अब बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो 34 टाइम्स यहाँ पे 150 से नीचे गया, लेकिन अभी 150 से 170 भी यहाँ पे 10 बार गया है, 170 से 190 भी गया है 9 बार। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे इन दोनों क्राइटेरिया से जो ज़्यादा यहाँ पे स्कोरिंग है वो 190 वाली लाइन पे हुई है, तो ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि एक हाई स्कोर यहाँ पर ग्राउंड बन सकता है आराम से। सो गाइस, अब आ चुका है हमारा मेन चीज़ जो आपको अपनी ग्रैंड लीग जिताने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नाइट मैचेज जो हुए हैं, 10 में से 8 मैचेज में पावर प्ले में विकेट गिरा है। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में यहाँ पे 10 में से भी यहाँ पे 8 बार यहाँ पे पावर प्ले में विकेट गिरा है, मतलब क्या है कि दोनों इनिंग्स अगर आप देखोगे तो पावर प्ले में विकेट चाहते हैं। सो गाइस, मैंने ना अभी एक डाटा और तैयार करा था, बट अभी आज मैंने यहाँ पे पब्लिश नहीं करा, तो आप मेरे को बताना, वो मैं एक बार कल के वीडियो में डालूँ या नहीं डालूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताता हूँ वो क्या चीज़ें। देखो, मैंने उसमें ऐसा करा है कि जैसे दिल्ली है, ठीक है, आज के हमारे जैसे मैच है दिल्ली का, तो मैंने ये लिखा है दिल्ली पावर प्ले में कितने विकेट्स खोती है। ठीक है, एक बैटिंग वाला हो गया, उसके बाद में पावर प्ले में वो कितनी विकेट से निकालती है, मतलब उनके जो बॉलर्स हैं, जो ओपनिंग बॉलर्स, वो कितने विकेट निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे हो सकता है। लाइक अगर बात करूँ ट्रेंड बोर्ड की, आप सभी को पता है ट्रेंड बोर्ड यहाँ पे पहले ओवर में विकेट निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर मैं कुछ डाटा तैयार करा था। अगर आप बोलोगे यहाँ पर मैं कल से कंटिन्यू करूँ तो यहाँ पर मैं गाइस कर दूंगा, तो मैं आपका इंतजार करूँगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको वो डाटा भी चाहिए, तो गाइस मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा ना, और ज़्यादा आपके पास क्लैरिटी आ जाएगी।
तो वो चीज़ होगी आपके पास। ठीक है चलो उसके बाद फिर बात करते हैं लास्ट T20 यहाँ पे जो खेले गए 10 T20 का। फर्स्ट इनिंग में देखो क्या है 80% का एक्यूरेसी जाती है, लेकिन सेकंड इनिंग में ये एक्यूरेसी बढ़ जाती है एकदम 90% में। अब अगर देखो कल की मैं बात करूँ सो कल में क्या था कि दोनों इनिंग्स में ना 100% था मामला, लेकिन हुआ क्या वहाँ पे देखो कॉनवे का कैच ड्रॉप हो गया। अब गाइस देखो विकेट्स तो वहाँ पे बना था, अब कैच ड्रॉप हो जाए वो एक अलग चीज़ है। तो इसलिए ना मैच को वहाँ पे देखे करो लाइव, इससे आपको पता चलेगा कि हाँ रियल थिंग हो क्या रही है। ठीक है अब अगर कोई एक प्लेयर ऐसा है कि उसको 5 बार वहाँ पे कैच उसके ड्रॉप हो जाते हैं फिर वहाँ पे रन्स मार के जाते हैं, तो उसका मतलब ये है कि स्टैट्स आपके काम करें लेकिन उसका लग आज उसके साथ था, ठीक है, और तुम्हारे साथ नहीं था, तो ये मान के चलना। ठीक है तो अब यहाँ से बात करते हैं इस IPL में। अब देखो देखो ये मैच है नाइट का मैच, अब यहाँ पर को पहले इनिंग में 1 बार विकेट गिरा और यहाँ पर को जो दूसरे मैच है 3 विकेट गिरे पावर प्ले में, सो गए 3 विकेट कम नहीं होते। उसके बाद सेकंड इनिंग की बात करूँ तो सेकंड इनिंग में यहाँ पे देखो एक इनिंग यहाँ पे गिरे 2 विकेट और यहाँ पे 1 विकेट यहाँ पे गिरा है। सो अगर बात करें तो दोनों टीम्स में ना एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने पावर प्ले में विकेट्स खो सकते हैं, सो देखना ही है कि आज कौन जल्दी खोता है। तो चलते हैं गाइस हमारे यहाँ पे टीम्स की तरफ में। सो बात करूँ SRH की तो गाइस यहाँ से आपको मिलेंगे मयंक अग्रवाल और यहाँ से ओपन करते हुए आपको दिख जाएंगे ब्रुक्स। तो अब यहाँ पर देखो फॉर्म पे तो कोई भी नहीं चल रहा बंदा, ठीक है। ब्रुक्स की बात करूँ तो एक मैच में 100 मार गया, उसके बाद गाइस कोई ऐसा परफॉर्मेंस ने नहीं दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ से बात करें त्रिपाठी की, सो देखो त्रिपाठी भी यहाँ पर कोई एक प्लेयर तो अच्छा है बट गाइस ये अभी उतनी अच्छे फॉर्म पर नहीं नजर आ रहा है। ठीक है देखो सेम चीज़ यहाँ पर क्या हुई कल ना, मैंने अपनी जो पर्सनल टीम थी यहाँ पर मैंने रिस्क लिया उमेश यादव पर, ठीक है मैं आपको बता दूँ मैंने उसके ऊपर रिस्क क्यों लिया, अगर आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। अब यहाँ पर उसके वेन्यू पर काफ़ी अच्छे स्टैट्स थे और यहाँ पर वो हेड टू हेड है, लेकिन मैंने वहाँ पर को क्या सीखा कि जो फॉर्म है ना वो आपका काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। सो ये चीज़ है राहुल त्रिपाठी के साथ भी मयंक अग्रवाल के साथ भी, सो इनका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूँ पावर प्ले में विकेट गिरे वो इनके विकेट्स यहाँ पर आराम से गिर सकते हैं, फिर यहाँ से जो पारी को संभाल सकता है वो यहाँ पर को मांग रहा हूँ। और गाइस देखो लास्ट मैच अगर आपको याद होगा जो हमने लाइव सेशन करा था वहाँ पर आपको एक नाम मैंने बताया था अभिषेक शर्मा, सो गाइस ये रहा था अपनी टीम का हाई स्कोरर। तो अभिषेक शर्मा अगर आज भी ओपन करता है तो आज ही काफ़ी अच्छी आपके लिए पास रहेगा ऑप्शन, ठीक है उसके बाद भी इसको ट्राई करना। बाकी माखर मेरे को ऐसा लगता है कि आज कम से कम डिसेंट वाली दिख जाए आज, और ट्रस्ट करूँगा उसके बाद भी बिल्कुल मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करूँगा। ठीक है उसके बाद करते हैं सुंदर, सुंदर एकदम फ्लॉप चल रहा है, ठीक है अभी तक इसने 5 मैच खेले लेकिन एक मैच विकेट नहीं निकाला। जेंसन की बात करूँ सुबह लास्ट मैच कैसा हुआ जहाँ पर उसको विकेट नहीं मिले लेकिन गाइस कंसिस्टेंट विकेट निकाल गया था, इवन मैंने देश पांडे के बारे में बोला था, ठीक है उसको भी यहाँ पर लास्ट मैच विकेट नहीं मिले थे लेकिन कंसिस्टेंट विकेट निकाल गया था और कल के मैच हो गया उसको विकेट मिल गए। तो ये चीज़ें होती हैं जो आपको नोट करनी होती है। क्लासिन की बात करूँ सो जैसा मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि टॉप ऑर्डर यहाँ पे कोलैप्स करेगा थोड़ा सा, तो तब जाके गाइस क्लासिन यहाँ पे आराम से बैटिंग आ सकती है। तो क्लासिन माकरम एंड यहाँ पर अभिषेक शर्मा कुछ एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आप थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको उमरान मलिक देंगे तो जो लास्ट मैच ऐसे विकेट ले रहे लेकिन एक विकेट से निकाल के जा रहे हैं। फिर यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार भी कंसिस्टेंसी इनके पास विकेट से निकाल की, मार्कंडे को यहाँ पे देखना होगा आज इनको विकेट्स मिलते हैं नहीं वो एक चीज़ होगी यहाँ पर को। उसके बाद बात करते हैं हमारी दिल्ली कैपिटल की, सो दिल्ली कैपिटल की तरफ से अगर बात करें तो आपको यहाँ पे डेविड वॉर्नर दिख जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डेविड वॉर्नर एक कैसा प्लेयर है जो आपको थोड़ा सा रिलाई मतलब आप इस पर हो सकते हैं अपना विकेट जल्दी नहीं खोएगा, क्योंकि गाइस देखो ये प्लेयर जल्दी विकेट क्यों नहीं खोती क्योंकि उनको पता है कि इनके नीचे कोई है नहीं खेलने वाला ऐसा। अब अगर देखो राहुल की बात करो तो राहुल के पास तो क्या नीचे थे लेकिन उनको इतना स्लो नहीं खेलना चाहिए। अब बात करें RCB की, तो देखो RCB में अगर यहाँ पर को फैब डुप्लेसी या विराट कोहली अगर स्लो खेलता है ना, सो गाइस हमको वहाँ पे समझना चाहिए वो एक लॉजिकल चीज़ है क्योंकि उनके पास फैब डुप्लेसी विराट कोहली और मैक्सवेल के साथ कोई बैट्समैन ही नहीं है जो मतलब जिस पर आप रिलाई हो सको, तो इसलिए उनका यहाँ पे एक स्लो खेलना बनता है। अब अगर बात करूँ यहाँ पे डेविड वॉर्नर आप DC देखो यहाँ पे भी डेप्थ नहीं है बैटिंग में, ठीक है अक्षर पटेल वहाँ पे थोड़ी बैटिंग कर जा रहे हैं इस बार अच्छी, लेकिन वैसे प्रॉपर बैट्समैन तो है नहीं, आप उन पर रिलाई तो हो नहीं सकते हो और ना ही उनके आप बाद में बोल सकते हो कि आपने वहाँ पे ख़राब खेला, ठीक है। तो इसलिए डेविड वॉर्नर को यहाँ पे थोड़ा खेलते हैं रुक के वो इसलिए खेलते हैं कि यहाँ पे थोड़े से रन बन जाए बोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मार्स की, तो गाइस मार्स एक आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है अपनी बैटिंग से और मेन उसकी बैटिंग ही है, भले वहाँ पे विकेट से निकाल के जा रहे हैं बट यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अपनी बैटिंग पे। उसके बाद बात करते हैं सॉल्ट की, सो आपको देखो कई सारे लोग ऐसे बोलेंगे सॉल्ट को यहाँ पे ओपन कराएंगे, लेकिन ओपन करा सकते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन गाइज इसका अगर आप रिकॉर्ड देखो ना बाकी जो इसने साउथ अफ्रीका T20 खेल गया है वहाँ भी वैसे कोई खास झंडे नहीं गाड़ गया है, ठीक है आपको बता दूँ। सॉल्ट इवन जो इसने लास्ट अच्छा परफॉर्मेंस दिया था आई थिंक वो 100 वाली लीग में था, ठीक है उसके बाद उसका कोई ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आया, तो ये आपको ध्यान दे के चलना कि सॉल्ट यहाँ पे अभी फॉर्म पे नहीं चल रहा है। सो जो यहाँ पे फॉर्म पे है वो यहाँ पे ओनली डेविड वॉर्नर है। लेकिन एक चीज़ और जो अभी तक हम यहाँ पे ट्रेंड फॉलो कर रहे थे वो क्या था कि ओवरसीज प्लेयर कोई भी यहाँ पे जब नया आता है तो पहला मैच फ्लॉप होता है उसके अगले मैच में परफॉर्म करके जाता है, लेकिन कुछ प्लेयर अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहे लाइक लियाम है यहाँ पर को, ठीक है
लास्ट मैच उन्होंने वैसे बॉलिंग कराई थी, लेकिन जो ताबड़तोड़ वाली पारी होती है ना, जो ड्रीम टीम का कैप्टन बनता सीधे, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया किसी से। तो हो सकता है साल्ट यहाँ पे कुछ ऐसा काम कर जाए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से बात करते हैं मनीष पांडे की, मनीष पांडे पे आप रिलाई हो सकते हैं। अमन हकीम खान, ये इसको ना ऐसे इंपैक्ट के लिए यूज करते हैं, बाकी इसका कोई यहाँ पे रोल रहता नहीं। ललित यादव की बात करें तो यहाँ पे आपको दिखेंगे रन्स बना रहे हैं और एक मैच 38, बाकी में कुछ खास इनका रहा नहीं इंपैक्ट। उसके बाद बात करते हो अक्षर पटेल की, सो अक्षर पटेल यहाँ पे आपको मिलेंगे 19 रन और 2 विकेट, फिर यहाँ पे 21 रन 1 विकेट, 54 रन 2 और 36 रन, ठीक है। उसके बाद मनोरखी की बात करूँ, लास्ट के 3 मैच यहाँ पे विकेट ऐसे, लेकिन लास्ट वाले मैच में 2 विकेट मिले। कुलदीप यादव यहाँ पे विकेट्स मिल जा रहे हैं इनको। मुकेश कुमार की बात करूँ, सो ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक रहेगा। इवन लोग को पता है यहाँ पे विकेट्स निकाला, फिर भी इसको इग्नोर कर रहे हैं। ईशान शर्मा की बात करूँ, इसका देखो इस एक मैच हुआ IPL में, वहाँ पे 2 विकेट निकाले। बाकी अगर बात करूँ तो इसने ना इसके डोमेस्टिक रिकॉर्ड्स और काफ़ी अच्छा इस उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है, सो इसको आप यहाँ पे बैक कर सकते हो। अभी उमेश यादव ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको नहीं देखा जाएगा। सो इस यहाँ से बात करते हैं हमारे हेड टू हेड की, हेड टू हेड में आपको वार्नर यहाँ पे मिल जाएंगे, एड माकरम यहाँ पे आपको दिखेंगे, अब्दुल समाद, मनीष पांडे, मयंक अग्रवाल एंड पृथ्वी शॉ। सो अब यहाँ से बात करते हैं हमारे आज की गिवे की, सो आज आपको बताना गाइस हाईएस्ट पॉइंट आज कौन देखे जाने वाला है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट आपको बताना है और जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर को नहीं भी है तो उनको मैं बता दूँ। सो गाइस आपको हमारा जो वीडियो अपने देश दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है, और उसके बाद में एक ऑनली यहाँ पर को अपना वैलिड कमेंट करना है। और गाइस देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अपने 300 ऐसे होने चाहिए जो यहाँ पर को फैंटेसी खेलते हो, ये नहीं कि आप अपने रिश्तेदार को भेज दो, अपने दादा को भेज दो, दादी को भेज दो, वो यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। सो अपने 300 को भेजना जो यहाँ पे फैंटेसी खेलते हैं, एंड उसके बाद में जितने गाइज आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर फॉलो करना, क्योंकि वहाँ पे कई बार हम यहाँ पे ग्रैंडी की टीम्स वगैरह भी शेयर कर देते हैं, ठीक है। सो बात करता हूँ हेड टू हेड की, यहाँ पर अगर आप देखोगे भूवी यहाँ पर टॉप पर आपको दिखाई देंगे, उसके बाद में अक्षर पटेल हैं, फिर यहाँ पे कुलदीप यादव आपको मिल जाते हैं, फिर अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं खेलेंगे, उसके बाद में सुंदर एंड यहाँ पे आपको मिचेल मार्श आपको मिल जाएंगे। बात करते हैं वेन्यू की, सो गाइस वेन्यू पे भी आपको वार्नर आपको टॉप पे दिखाई देगा, फिर यहाँ पे एडन मकरम है, समाज आपको मिलेगा क्लासिन, यहाँ पे है मनीष पांडे एंड राहुल त्रिपाठी। बात करूँ अगर मैं विकेट से तो यहाँ पे भूवी आपको टॉप पर मिलते हैं, ईशान शर्मा यहाँ पर का अच्छा रिकॉर्ड है, खलील अहमद अभी तो फिलहाल नहीं खेली ऐसे इंजरी उनको यहाँ पे चल लिया, फिर यहाँ पे फीज आपको दिख जाते हैं मुस्तफिजुर्रहमान, मयंक मारकंडे एंड यहाँ पर को मिचेल मार्श, ठीक है। सो गाइस ये हो गई हमारी आज के हेड टू हेड और वेन्यू, अब बात करते हैं हमारी आज की टीम्स की। सो एक टीम में तो हमारे पास है क्लासिन एंड उसके बाद आपको वार्नर यहाँ पे मिल जाते हैं, मयंक अग्रवाल एंड अभिषेक शर्मा, यहाँ पे मिचेल मार्श को मैंने कैप्टन इवन यहाँ पे फ्लॉप चला। और गाइस मैं आपको बताऊँ इस मैच में ना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कम रखना, अब मैं ऐसा कम क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि देखो यहाँ पर ना थोड़ा सा ये कन्फर्मिटी नहीं हो पा रही कि आज आप में कौन सा प्लेयर को परफॉर्म करके दिखाना। देखो ऑब्वियस बात है यहाँ पे वार्नर ऐसा कैप्टन रहेगा, लेकिन अगर मान लो वार्नर आपका फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि सेफ सीरीज यहाँ पे फ्लॉप हो रहे हैं, अगर कल के मैच की आप देख लो किसी ने सोचा था बटर यहाँ पे डक जाएगा, किसी ने सोचा था विराट कोहली यहाँ पर कुछ डक जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट अपना जो स्मॉलिंग है ना वहाँ पर कम रखना, बाकी ग्राइंडिंग पर फोकस करो। और वीडियो को एक बार अगर नहीं देखा तो अच्छे से देख लो, ठीक है। तो आपको दोबारा बोल रहा हूँ ग्राइंडिंग में इस मैच में फोकस करना, आपकी आराम से गाइस ग्राइंडिंग यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद फिर वहाँ बात करूँ यहाँ पे मयंक अग्रवाल अभिषेक शर्मा, सो उसके बाद आपको फिर यहाँ पे मिल जाते अक्षर पटेल, माकरम एंड जेनसन। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार, नॉर्के एंड उमरान मलिक ने पिक करा है। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मैच।